अरे भाई लाइव तक सूखे नहीं है, काफ़ी जिंदा हैं और वही दर्द इन्होंने अपने एल्बम में निकाला है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं निर्देशक को, अभिनेत्री को, हीरो को, पूरी टीम को, मीडिया को। आप चाहें बढ़िया से इसे, छोटी चीज़ है बड़ी चीज़ है वो अपना नहीं होता है, क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, यही मेरी शुभकामनाएँ पूरी टीम के लिए। आप बताएंगे सर क्या कुछ है गाने में, क्या वीडियो थीम, वीडियो बेसिकली ये हमने कोशिश की है हैपनिंग सेट बनाने की कि लोग डिप्रेशन से बाहर आके माफ़ करके निकलें, गिव अप करें कि ठीक है तू अपनी खुश तू खुश रहे मैं खुश रहता हूँ, निकलते आगे। और उसके बाद जो भाई ने जो डायरेक्शन दिया है वो तो आपको बता देगा दर्द को पर्दे पर कैसे उतारा जाता है। मुझे लगता है कि मुदस्सर भाई से बढ़िया उस गाने को शायद ही कोई बहुत मतलब कोई कर पाता। और उसमें साथ में अल्तमस भाई की आवाज़, मतलब दर्द का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया खुदा ने कि उस दर्द की कड़ी 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 से कड़ी, और उसमें जो एक चाहिए थे क्यूट फेस जिस पे लोग यकीन नहीं कर सकते कि धोखा दे सकती है क्या, मतलब हर चीज़ परफेक्ट तरीके से जोड़ने की कोशिश करी है। जी मैम आपके लिए मैम, जैसे कि नाम सब बताती है ज़ख्म काफ़ी है, तो ये जो लिरिक्स है ये सबसे पहली बात की है, आप जब सुनोगे तो आपको लगेगा कि क्या है इस गाने में। एंड लिरिक्स तो कमाल की है ही, बट जिन्होंने गाया है अल्तमस फरीद, इन्होंने बहुत अच्छी आवाज़ दी है इस गाने को, और स्वर ने डायरेक्ट किया है मुदस्सर स्वर ने, तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा सॉन्ग दिखने वाला है। तो मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग देखो और आप लोग ही बताओ कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हमने दो दिन शूट किया था अलग अलग लोकेशन पर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे जिन भी लोगों ने सुना, इससे पहले एक बात बोल दूँ, जिन लोगों ने सुना कि डायरेक्शन मुदस्सर भाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई सीधा गाना ही भेजना, पता है गाना कैसे निकलने वाला है, मतलब ब्लाइंड फेथ। भाई ने फ़ोन किया था, अल्तमस भाई भी साथ में बैठे थे, बोले भाई गाना करना है, मुझे गाना सुना तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा सॉन्ग है। और जाहिर सी बात है न्यू कमर्स हमारी इंडस्ट्री में आते हैं, मैं भी एक न्यू कमर की तरह आज से कई 12 साल पहले आया था, सलमान भाई ने मुझे मौका दिया था, तो उन्होंने भी मुझे मौका दिया, तो मैंने भी सोचा कि यार न्यू कमर्स हैं सूर्या भाई, और आप इनको देखेंगे, इनके 10 महीने पहले की पिक्चर देखेंगे तो अभी ये मैं इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, मतलब विलन और हीरो का फ़र्क है मैं समझ सकता हूँ। सो ही इज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एंड ही ट्राई टू वर्क आउट अ लॉट, तो मैंने सोचा ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ी मेहनत करूँ, और मैंने भी कोशिश करी कि यू नो सूर्या भाई और सीमा दोनों को एक अच्छा पिक्चराइजेशन करने का कोशिश करी, हमने मेहनत करी, बारिश बहुत ज़्यादा थी उस वजह से बहुत डिफ़िकल्टीज आई, बट या एट द एंड ऑफ द डे इट वॉज अ गुड सॉन्ग एंड उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। बॉम्बे के बाहर नज़दीक में विरार के आगे हमने एक फॉरेस्ट लिया था, वहाँ हमने किया था 2-3 अलग अलग, थोड़ी सी हमको उस टाइप की लोकेशन चाहिए थी, हमने वहाँ पर जाके शूट किया, और फिर बहुत ही मुश्किल वो बारिशों का सामना करना पड़ा, चाहे वो शूट हो चाहे लंच हो, जख्म थोड़े ज़्यादा लग गए, कोशिश हमने अच्छी करी है, उम्मीद है अभी तक भी बारिश जख्म देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम जख्म आएंगे नहीं। दोनों ने परफॉर्म अच्छा किया, बहुत अच्छा दोनों ने मेहनत करी, हालांकि बोलते हैं ना जैसे जैसे इंसान सीखता है वैसे वैसे अच्छा होते जाता है, और मैंने इनको यही कहा था कि दोनों की तरफ से जो जज्बा था कि नहीं हमको करना है अच्छे से करना है, सारे एक्सप्रेशन सारी तैयारियाँ इनकी, सो आई थिंक दे हैव एज अ मैं समझता हूँ वन ऑफ द फर्स्ट पहला वीडियो सेकंड था, लेकिन 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 फर्स्ट जो इन्होंने जो काम किया ना वो फर्स्ट वाला लगा फीका है बिल्कुल। देखिए मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो क्या टिप्स दी आपने सर, आपने क्या टिप्स दिया लोगों को रिकवर करने? टिप मैंने यही दिया, टिप्स यही दिया कि बस थोड़ी सी अपने आप को हीरो समझ के करो, आप अपने आप को हीरोइन समझ के करो, बाकी ध्यान मत दो कि वहाँ पे क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा मैंने देखा इन लोग हर चीज़ में बेचारे मेहनत कर रहे थे, चलो सामान उठा लूँ, लाइट उठा लूँ, वो उठा लूँ, मतलब भाई आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लो, हीरो हीरोइन की तरह परफॉर्म करो, थोड़ा सा सीरियस एक्सप्रेशंस देना है बस उसी के लिए, बाकी तो मेहनत है बहुत अच्छी करी है इन्होंने, डांस तो ऐसा कुछ खास था नहीं इसमें, लेकिन वही है इमोशंस का पूरा गेम है गाने में। सर आप प्रोड्यूसर भी हो, क्या है अपने बारे में बताइए सर, एल्बम के बारे में बताइए। एल्बम के बारे में मेन चीज़ ये है कि
पहले गाना बना था तो उस गाने के लिए मैं एक्साइटेड था, बट इस गाने के लिए मुदस्सर भाई का नाम जुड़ा तो मतलब मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि बहुत ज़्यादा। और सबसे मेन चीज़ थी कि जो सूर्या भाई हैं हमारे, इन्होंने गाना लिखा है। मेन जो पॉइंट है कि इन्होंने गाना लिखा है खुद से, और खुद का गाने लिखे हुए पे खुद एक्ट किया है, और फिर मुदस्सर भाई का साथ मिल गया तो गाना बहुत ही शानदार रहेगा ऐसा मेरा मानना है। मुझे भी बहुत अच्छा वसूल है आपका? हाँ बिल्कुल वसूल है, 100%। आपको पूरा भरोसा है दोनों पे? हाँ पूरा एकदम श्योर। प्रोड्यूसर हैप्पी है? आप दोनों कितना एक्साइटमेंट है? प्रोड्यूसर आप क्या बोलना चाहते हैं? एक्साइटेड हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि जैसा आपने कहा पैसा वसूल हो तो हम चाहते हैं कि सर का पैसा वसूल। जग में दर्द बाकी के रियल कुछ ऐसी थी या फिर बस बन गई? सर दर्द तो सबके जीवन में है, बस कुछ पर्दे ला पाते हैं कुछ पर्दे नहीं ला पाते हैं, तो हमने कोशिश की दर्द को पर्दे बुलाने की और लोग उस दर्द को महसूस करें अपने अपने एरिया से। लेकिन वो जो दर्द है वो बेसिकली मुझे लगता है कि आज हर दूसरे बंदे की लाइफ में दर्द है, तो उस दर्द से बाहर निकलने के लिए कोशिश करिए कि जब भी आप डिप्रेशन में जाओ तो गाना देख लो और मुदस्सर भाई को याद कर लो कि ऐसा एक ऐसा कुछ और आने वाले नया एक मतलब एक अगला गाना रेडी है भाई ने। मतलब पता जब फर्स्ट टाइम बात हुई भाई से, गाना सुनते भाई ने स्टोरी बताई, मतलब गाना सुनते ही स्टोरी, सोचिए कितना बड़ा क्रिएटिव काम है। अब दूसरा गाना जो हम कर रहे हैं गाना सुनते स्टोरी, यही तो भाई खासियत है, उसी स्टोरी में हम मूव करेंगे। और दिवाली के बाद या दिवाली से पहले आपको एक बहुत बड़ा बोनांजा साथ और मिलेगा आपको। गाना गा दीजिएगा सर आप लोग? क्या बोला? एक लाइन जो गाने के है जख्म में लाइन। देखिए गाना तो मैं कोई गायक हूँ नहीं, फटे भी आवाज़ है मेरी, बाथरूम में भी गाता हूँ तो दीवारों में क्रैक लग जाता है। लेकिन मैं खाली इतना बताऊँगा कि इतनी इज्जत जब मिलती है, हालांकि उसके काबिल नहीं हूँ मैं, कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो इतनी इज्जत जब मिलती है तो बहुत हौसला अच्छा लगता है। पर जितनी प्यार भी है और अप्रिशिएशन भी, मतलब इतना माइंड ब्लोइंग, इतना बढ़िया मैनेजमेंट था भाई का कि लगा ही नहीं कि मतलब कहीं भी कोई मिसमैच है। मतलब जाओ काम करो, हर चीज़ ऑटोमेटिक तरीके से। और जो भाई ने कट भेजे, पहला कट दूसरा कट, मतलब एक होता है कमी निकालने की कोशिश, कमी ही नहीं कोई, हर चीज़ माइंड ब्लोइंग, सोचते हैं इससे अच्छा। और लास्ट में गाना तो आप देखोगे तो वो तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है। डांट तो नहीं पड़ा, बट सर ने बहुत अच्छे से समझाया, जो हम नहीं कर पा रहे तो उन्होंने करके बताया। वो क्या होता है कि वो जब इंसान सीरियस है, ये काम करने में सीरियस है, छोटे बच्चे तो है नहीं कि डांटो ये बराबर से करो, ये ऐसा करो वैसे करो, मैं कौन सा बहुत बड़ा वो हूँ जो मैं डांटूंगा। मैं भी खुद सीख ही रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हम सब सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये मेरा तो ये मेरी रोजी रोटी यही है, गाना बनाना, कोरियोग्राफ करना, नाचना नचाना। तो ऐसा प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो आप कर रहे हो? हाँ फिल्म है, फिल्म कर रहा हूँ, जी की फिल्म है, एक फिल्म डायरेक्ट भी करने वाला हूँ बहुत जल्द। एक लाइन गुनगुना दो सर, एक लाइन गुनगुना दो आप। जख्म काफी है तेरी याद दिलाने के लिए, मैं हूँ मिटने के लिए, तू है मिटाने के लिए। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा। म्यूजिक लेवल हमने खोला था, उस पर एक गाना पहले आया था, अपना मोलाड म्यूजिक लेवल है उस पर लॉन्च कर रहे हैं, और आने वाले कई गाने उस पर लॉन्च आने वाले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट, इमोशंस, फीलिंग्स आपको दे पाएं, ताकि आपके जीवन में खुशी हो, दर्द जो भी आप फील करते हो उसको हमारे गाने के साथ फील करो आप। एज ए ऑडियो सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे है, जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म सभी पे अवेलेबल। बेचारा दिन है, जब भाइयों के साथ मिलता रहेगा तो आगे बढ़ते रहेंगे, होले होले हो जाएगा प्यार। एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो इस गाने के लिए 10/10 में मेरी तरफ से। और रील्स बनाइए, जो भी देख रहे हैं बहुत सारे रील्स बनाए, मैं भी रील्स बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, और इन्जॉय करो, बहुत अच्छा गाना। थैंक यू सर। और सीमा को, दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी। गाना हमने जस्ट अभी देखा है, गाना इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग, आई कांट टेल यू। एंड हाँ मुदस्सर है वहाँ पे, उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, तो दैट इज़ अमेजिंग। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन दिनेश, लाइक दिनेश के गाने तो लाइक आते ही रहते हैं। दिस इज ये गाना मैंने डायरेक्ट नहीं किया ये मुदस्सर भाई ने कोरियोग्राफी की, डायरेक्ट भी की है। अच्छा डायरेक्ट? मुदस्सर भाई इस गाने के डायरेक्टर हैं, ही हैज हेल्ड अप एवरीथिंग। So I'm super happy and congratulations both, and hold the team. Thank you. Thank you. Thank you.
अच्छा आपने गाना देखा जग में काफी है, गाना देखा आपने yes. गाने के बारे में गाना तो बहुत ही अच्छा है, अल्तमश जी ने गाया है, इतना सुंदर तरीके से गाया है, लिरिक्स आर आल्सो अमेजिंग एंड ऑफ कोर्स सीमा और सूर्या जी की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है. एंड यहाँ पे कौन नहीं है सर जिसके लाइफ में सैड स्टोरी हुई नहीं है. सो आई एम सॉरी इट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टफुल एंड वेरी रिलेटेबल. सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू मुदित सर भाई, सूर्या जी, सीमा जी एंड थैंक्स दिनेश फॉर इनवाइटिंग अस अगेन फॉर दिस कूल अपॉर्चुनिटी एंड वेरी एक्साइटेड टू यू नो वॉच दैट अगेन. मैम क्या झकास एक्टर है, डेढ़ दस सीरियल सिम्बा पता नहीं क्या कर चुकी है, शानदार एक्टर हमारी दीदी है. सबसे बड़ी बात पेना त्रिवेदी दीदी. थैंक यू सो मच. एक्चुअली सूर्या भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और जब मैं इनसे मिली तब मुझे नहीं पता था कि ये इतने बड़े अच्छे एक्टर भी हैं और इतने बड़े कलाकार भी हैं. और जब इन्होंने सॉन्ग के बारे में बात की तब मैंने सोचा कि यार ये एक्टर है लेकिन एल्बम सॉन्ग करना चाहते हैं, बट जब इन्होंने एक राइटर एज अ राइटर मतलब एक राइटर भी जिस तरीके से लिरिक्स लिखते हैं उनसे भी सही और बहुत अच्छे तरीके से वो लिरिक्स इन्होंने लिखे हैं, जो जब हमने सुना तो हमें बहुत 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 अच्छे लगे वो लिरिक्स. तो फिर हमने अल्तमश फरीदी के पास वो सॉन्ग करवाया, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से गाया और फिर इसमें सीम को हमने सजेस्ट किया, सीम लीड कर रहे थे, भाई भी साथ में हैं, तो बस कुल मिला के पूरी टीम अच्छी हुई और बहुत अच्छी तरीके से सॉन्ग बना. जख्म काफ़ी है, जख्म तो भाई आप ये हमसे पूछ रहे हैं या इनके बारे में पूछ रहे हैं ये बताइए. एक मिनट, जख्म जितने भी मिले उतने कम है. मैम इतने सारे टैलेंट, इतने सारे खूबियां कब मिलते हैं? 2024 में नहीं कि सनसनी खोज है बॉलीवुड के लिए. सॉरी सनसनी खोज है बॉलीवुड के लिए. सूर्या भाई इतने सारे टैलेंट, इतने सारे सब कुछ लेकर आए, गाने भी हमने देखा, एंग्री मैन भी है, यहाँ रोना है, जो लापते वो भी कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं इतने सारे टैलेंट के साथ? इसीलिए तो हमने कहा कि हम जब इनसे पहली बार मिले तब वो अलग थे और फिर धीरे धीरे जब इनके बारे में जाने, ही इज अ मल्टी टैलेंटेड इंसान, ही इज अ मल्टी टैलेंटेड गाय. इनके बारे में जितनी तारीफ करे या ऐसा कोई काम नहीं है जो ये नहीं कर सकते. आने वाला बॉलीवुड के मतलब सूर्या अपना सूर्या ही है. सूर्या ही है, सूर्या भाई इज रॉक. थैंक यू. आप समझाना चाहते हैं सीमा जी किस तरह जी. रहा आप लोगों का बॉन्डिंग, क्या आपने यहां सीखा मैम से? मैम से जब हम लोग पहली बार मिले थे, हम कहीं एक इवेंट पे मिले थे और मैंने मैम को तभी देखा और मुझे बहुत सुंदर लगी मैम पहली बात तो, और मैंने मिलते ही कहा कि मैम आप बहुत सुंदर हो. उसके बाद मुझे पता चला कि मैम ने क्या क्या काम किया है. आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है. मैं सूर्या के थ्रू ही मिली थी मैम से और हमारे भी बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्ड बन गई है. सो या हाँ सच में लुक वैसा ही है, लुक वैसा ही एकदम साउथ के लिए प्रॉपर फिट लग रहे हैं. पैसा आना जाना है लेकिन प्यार कमाने के लिए इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है, बस वो प्यार ब्लेसिंग्स विशेष लोगों की मिलती रहे और हम कुछ बेटर से बेटर लाते रहे. एक्चुअली यहाँ पे हर किसी का दिल जीतना आसान है बट उस दिल में अपनी जगह बनाए रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट, जो सूर्या भाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं. एक्चुअली ये खुद इंसान बहुत अच्छे हैं, ये इतने अच्छी इनकी सोच है, इतने अच्छे इंसान हैं. बस मैं यही दुआ करती हूँ कि भगवान करे दिन दुगनी और रात चौगनी इनकी हो, डे बाय डे वो और आगे तरक्की करे और हमारी दुआ इनके साथ है. और भाई ने दो दिन का वक्त लिया, दो दिन बाद भाई ने क्या निकाला है, क्या निकाला है. जब अल्तमश भाई गाना गाने के लिए आए तो उनके वर्ड पहले ये थे कि भाई जो एक मुलाकात गाना ये उसका बाप बनने वाला है, राइट और रॉन्ग? एग्जैक्टली ठीक है. तो इसके लिए अब भाई साहब पूछना भाई का कैसा फील रहा, लेकिन बहुत बहुत भाई को शुभकामना है, मतलब बहुत बहुत रिगार्ड है, धन्यवाद है ढेर सारा कि भाई ने ऐसा गाना बनाया है. रोक भाई को लोग ढूंढेंगे कि कौन है कंपोजर. थैंक यू सर, थैंक यू. एक्चुअली मेरे बारे में बताना चाहूँगा मैं, मेरा नाम अभिजीत है और मैंने इसके पहले चिट्ठिया के लिए आपने गाना सुना होगा. yes, वो गाना मैंने प्रोड्यूस किया एज ए म्यूज़िक प्रोग्रामर. बाद में फिर मैंने एज ए डेब्यू इनके एल्बम में एज ए कंपोज़र मेरा आया है और बस कोशिश की हम लोगों ने अच्छा करने की और बस बाकी पब्लिक मेन रहती है, पब्लिक पसंद करेगी उसको गाने को, लेकिन हम लोग कोशिश अच्छी करी और जो भी है बस बाकी ऊपर गॉड है वो ही करेगा, जो भी है आगे बढ़ाएगा गाने को. सर का सर ने तो एक्चुअली 10 साल पहले गाना लिखा था ये, और 10 साल पहले गाना लिखा था सर ने, ये काफ़ी बड़ी बात है 10 साल पहले गाना और वो गाना आज के म्यूज़िक में ढालना उसको, वो हमने किया तो वो कोशिश जो की हम लोगों ने वो
सक्सेस रहा उनका। कहने की बात ये है कि सर ने गाना लिखा था, कहने के म्यूजिक पे भी इंटरफेयर किया कि ऐसे म्यूजिक चाहिए, यहाँ पर ऐसे बीट चाहिए, ऐसे कुछ बोला? सर ने कुछ भी नहीं बोला, सर ने बोला म्यूजिक अच्छा चाहिए बस, तो वो म्यूजिक अच्छा बन गया। जख्म काफी है तेरी याद दिलाने के लिए, एक तो मैं हूँ मिटने के लिए, तू है मिटाने के लिए, मैं हूँ मिटने के लिए, तू है मिटाने के लिए। थैंक यू। सॉन्ग फिलहाल काफ़ी अच्छा है, और जब भी मैंने ट्रेलर देखा तभी अच्छा लगा कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं जैसे जो भी सॉन्ग रिलीज हो रहे हैं कुछ भी हम मटेरियल ला के डाले दे रहे, बट ये जो सॉन्ग है एक यूनिक है, एक नया है, मतलब हम बोल सकते हैं लाइक जो लिरिक्स भी है एक नए है, और जो इसमें एक्टिंग स्किल है वो भी परफेक्ट और काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, जो कि मैं चाहूँगा कि सब लोग एक बार देखें, बहुत बेहतरीन ही सॉन्ग है। आपने गाने को रील बनाया आपने? यस 100% उम्मीद करते हर लोग रील बनाएंगे। यस टीम साथ में लेंगे टीम साथ। और ये गाना मेन चीज़ है, गाना हिट होना चाहिए, और इंशाल्लाह ये गाना हिट होगा जरूर। थैंक यू। नहीं हम लोग तो इस गाने के साथ शुरू से ही जुड़े हैं, और ऑलरेडी बड़े डायरेक्टर हैं और सिंगर बहुत बड़े हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा गाते हैं, और भैया का लुक एकदम यूनिक, एक यूनिक ही लुक है, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत पसंद भी आएगा। और सीमा जी इतनी बढ़िया एक्ट्रेस हैं और बहुत बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और बस ऐसे ही आप लोग की जोड़ी भी हिट हो, बार बार देखने को मिले। हाँ बार बार गाना कर रहे हैं हम लोग, इनफैक्ट बहुत जल्दी ही करेंगे आप लोग साथ में पिक्चर, एक सरप्राइज है, बट बहुत बड़ी और बहुत बड़े स्केल पर एक फिल्म हो रही है, इनफैक्ट पूरा प्लान मैं ही कर रहा हूँ। क्या बात है। हाँ सर इतनी बार सरप्राइज दे रहे हैं तिवारी साहब, मतलब 20 साल का टैलेंट आप में डाल रहे, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए ये हमारा भाईचारा चला हुआ है, ये हमारा भाईचारा है 15 साल पुराना, ठीक है, तो भाईचारे मतलब तो करते रहते हैं बहुत, हमारे ये आप लोगों के लिए बड़ी बात है, हमारे लिए एक नॉर्मल बात है कि हम मतलब लोग कहें कि बहुत बड़ा करते भाइयों ने मिल करके, राइट, लेकिन हम दोनों करते रहते मतलब अब कोशिशें बहुत बड़ी करते हैं। एक लाइन बोलना चाहूँगा, सबको पता ही है कि मेरी खुद की VFX कंपनी है ASY फिल्म्स, तो हम लोग प्लान जो कर रहे हैं ना एकदम नेक्स्ट लेवल पे VFX में प्लान कर रहे हैं कि कुछ ऐसी फिल्में बनाया जाए, VFX वाली फिल्में आजकल लोगों को बहुत पसंद भी आ रही हैं, तो हम लोग वही सोच के कैसी चीज़ें लोगों को पसंद आए वही हम लोग प्लान कर रहे हैं। शिवा जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज जो ये गाना मैंने किया है पहली बार, आशीष ने मुझे सूर्या से मिलवाया था, आपको लास्ट याद होगा जब हम मिले थे और आपने कहा था कि आप लोग कब अगला गाना कर रहे हो, राइट, सो इनके थ्रू मैं मिली थी सूर्या से, आशीष के साथ ही आई थी मैं, सो थैंक यू। काफ़ी है, सूर्य भाई ने गाना लिख भी दिया है, तो सूर्य भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने इससे पहले 4 गाने प्रोड्यूस किए हैं जिनमें से 3 गाने मैंने डायरेक्ट किए हैं, तो इनके लेवल पे 2 गाने हैं, जो ये सेकंड गाना जो अब आया इसका पिछला गाना मैंने डायरेक्ट किया था, यार बड़ी खुशी हुई, गाना बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, मेरे को था कि गाना कौन करेगा, एक एक्साइटमेंट थी, अब उसमें मुदस्सर भाई का नाम आया तो एक हौसला हुआ, अरे यार मुदस्सर भाई है, और उन्होंने बहुत अच्छा गाना डायरेक्ट किया है, मेरे को इसके बजट्स पता कि बजट्स क्या है, और जो बजट्स मुझे पता है उसके मुताबिक इसको हाथ डालना बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने इसको बाखूबी निभा दिया है, गाना सच में बहुत अच्छा है, मैं भी देख के आया हूँ, एंड सूर्य भाई लिरिसिस्ट है, मुझे पता नहीं था, बहुत अच्छा गाना लिखा है, सनिंदर भाई प्रोड्यूसर है, ये दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं गाने को, मुलाड ग्रुप मेरे घर के ग्रुप है, मुलाड पिक्चर्स, मुलाड म्यूज़िक मेरे सामने शुरू हुआ है, मतलब कहते हैं ना इंस्टाग्राम पे बैठना इसके पेजेस बनाना वैसा, तो बड़ी खुशी हो रही है आज देखकर, और अभिजीत गढ़वे जिसने म्यूज़िक दिया है भाई अपना पहले काम कर चुके हैं, इसके भी EP है मोइन खान, मेरा एक पिछला गाना आया था ये गलियां ये चुबारा, उसके वो भी EP थे, तो ऐसा लग रहा है 5-6 लोग इकट्ठे मिल गए हैं, सूर्य भाई मेरा भाई, मुदस्सर मेरा भाई, मोइन मेरा भाई, देन दिस गढ़वे, वेरी हैप्पी एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।